नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के बरेला में साहू समाज द्वारा मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। साहू समाज द्वारा मां कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रमों के प्रथम दिन विशाल वाहन रैली निकाली गई थी। कार्यक्रमों श्रृंखला के दूसरे दिन हेलीकॉप्टर द्वारा राष्ट्रीय तेली संगठन के अध्यक्ष रविकरण साहू मां कर्मा देवी की पालकी लेकर यहां पर पहुंचे। तेली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकरण साहू की अगुवाई में पालकी और अमृत कलश का बरेला में आगमन हुआ। बरेला में साहू समाज के समस्त संगठनों द्वारा भैरव मंदिर से एकत्रित होकर पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें अमृत कलश को लेकर साहू समाज के सभी लोग शामिल हुए थे। कलश यात्रा के भैरव मंदिर से आरंभ हुई थी, जिसका समापन मेला ग्राउंड में हुआ। इस पालकी कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी। इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर बरेला ने जगदीश मंदिर में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी जयंती की आप सभी लोगों को अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। साहू समाज परगना श्री जगदीश मंदिर समिति, श्री कर्मा देवी हवा मंडल, श्री माँ कर्मा देवी महिला मंडल एवं समग्र साहू समाज बरेला के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित। प्रथम दिवस में हम लोगों द्वारा विशाल वाहन रैली का आयोजन 28 तारीख को किया गया। उसके बाद पूजन पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया गया। द्वितीय दिवस में आज 30 मार्च बुधवार को प्रातः 9 बजे से बाय हेलीकॉप्टर द्वारा रविकरण साहू जी की अगुवाई में माँ कर्मा देवी की पालकी एवं माँ नर्मदा जी का स्वर्ण कलश का आगमन बरेला नगर में हो रहा है। तदुपरांत यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो नगर भ्रमण करते हुए मेला ग्राउंड पे संपन्न होगी और वहाँ पर पूजन पाठ के बाद माँ कर्मा देवी का अमृत रूपी खिचड़ी का प्रसाद सभी को वितरण किया जाएगा। एक बार फिर सभी लोगों को कर्मा देवी की शुभकामनाएं। मैं मुकेश साहू, एडवोकेट अध्यक्ष श्री जगदीश स्वामी कर्मा देवी मंदिर समिति बड़ी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।